अब हम तक आनी भेज कई छल फल अब बातचीत भइल कहल गए वहां भी का कहे का से कि ना से मामा से पहले कैंप तब दाम पुर तके बुलबुलिया तके बुलबुलिया पुरैनी पुरैनी फुलटकरा तो यहाँ कई आदमी है अब हम लोग यहाँ आदमी यहाँ तीन मैंने 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 तब हम चल गए अपने कन्या के घर के लाइन सर इसको खेल में अब ये तो हमरे जाति में जसरी मालूम कोई चोरी बेईमानी करे पंटा था ना पंटा ना है बूढ़ा खाए चाहे बाद में खाई पूरा खेल पूरा बुढ़िया खेल छिट्टे छिट्टे पाँच से कमाते लेकिन काल हुआ 3 महीना तालीम करियो पैसा ना पाई हो लेकिन 3 महीना तालीम करियो ना पैसा पाई हो तके काल कहो भाग ली हम यहाँ पैसा नहीं मिला यही चीज सबके लागू होती है पैसा हक के बिस्मिल्ला शुरू तक करू बिरहा सिनन लाला मदन गोपाला शेर किया बालापन में पहरे माला ओढ़े दुसाला काला काजा नैनन में पहरे माला ओढ़े दुसाला काला काजा नैनन में बंश बजावे ढेन चरावे नामकरण गर्दाखेरि एउटा एक दुईजनाको यो चिज होइन यो सबै जिल्ला जिल्लाको पत्थरकट्टा जाने मानेको पत्थरकट्टा बुझाएर यो आयोगमा त्यो छलफल गरेपछि यो नामकरण गर्ने पर्ने थियो तर आयोगले पनि छिटो गरिदिनुभयो त्यो आज अप्ठ्यारो परिरहेछ
इता उता को सब जात पात को भाईचारा मिलाएर त्यो नामकरण गर्ने थियो, तर त्यो आयोगले छिटो गर्नुभयो। यसको मेरो विरोध छ, त्यो सही इतिहासको नामकरण गर्नु पर्यो। अब यस्तो छ सर कि जुन हाम्रो कल्चर, मेरो संस्कृत, मेरो इतिहास जुन गिहारामा बताएछन् त्यही हामी त्यही लेखाउनु पर्यो। अब कसैले कुछ बाणिया भनिदिन्छन्, कसैले कुछ बन्दिया भन्छन्, के भन्छन्। काम गर्दाखेरि दिनभरिमा मान्छे दसवटा काम गऱ्यो भने दस जाति बन्ने होइन, त्यो त मेरो विचारमा यो गलत छ सर। हामीलाई गिहारा जुन मेरो इतिहास पुर्खौली जुन नाम छ नामकरण त्यही राख्नु पर्यो, ताकि भोलि मेरो केही अप्ठ्यारो नपरोस् कल्चरमा, मेरो संस्कृति। अप्ठ्यारो भनेको कस्तो अप्ठ्यारो? अप्ठ्यारोमा कसैले केही मोड जातिको आयो भने म एक नम्बरमा जाने हो गिहारा जातिको नाममा। यो कुनै इताउताको नाम राख्यो भने पछि फरक पर्छ।